गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। छतगण, जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आप कि जितने भी लोग निंदा करते हैं, पीठ पीछे जितने भी लोग शिकायत करते हैं, जितने भी लोग आपके बारे में गलत धारणा रखते हैं, उन्हें एकमात्र जवाब होगा सफलता, सफलता और सफलता। एक लंबी लकीर खींच दीजिए ताकि स्वयं ही उनका मुंह बंद हो जाए। छतगण, किसी को भी जवाब मौखिक रूप से नहीं दिया जाता है। छतगण, जवाब यदि देना है तो जीवन में सफलता की एक ऐसी रेखा खींच दें कि सामने वाले की रेखा स्वयं ही छोटी हो जाए और निंदा करने वाले स्वयं ही शांत हो जाएं। यही जीवन का फलसफा है, यही जीवन का तरीका है, यही जीवन जीने का सही सलीका है। छतगण, सफलता के सभी मित्र होते हैं और यही कारण है कि सफलता सल चढ़ कर बोलती है। चढ़ते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, इसलिए छतगण चढ़ता हुआ सूरज बने और अपने जीवन में अपने विरोधियों को, अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने जो है मुखालफत करने वाले लोगों को एक ही जवाब है और वो है सफल इंसान बनना। छतगण, जैसे ही आप सफल हो जाएंगे आपके विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा, है ना। यही जीवन में अपनाएं और इस सफलता की प्राप्ति के लिए अंदर से एक जुनून रखें। हमेशा ये सोचें कि विरोधियों को जवाब मेरी सफलता कैसे देगी, और यह जुनून ही आपके अंदर में एक आग पैदा करेगा और आप निश्चित तौर पर एक सफल इंसान बनेंगे और अपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इन्हीं सब चीजों के साथ आज मराठा साम्राज्य के हीरो, मराठा साम्राज्य के नायक शिवाजी की कहानी गुरुकुल की जुबानी आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। मराठा साम्राज्य हेडिंग बनेगा छतगण आपके नोट्स कॉपी में, है ना। हेडिंग क्या बनेगा छतगण? मराठा साम्राज्य हेडिंग बनेगा, लिखिए। मराठा साम्राज्य मुख्य रूप से महाराष्ट्र एवं कर्नाटक क्षेत्र में, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक क्षेत्र में विस्तृत था। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, नेक्स्ट, शिवाजी का जन्म 1627 में महाराष्ट्र में पूना के निकट शिवनेर नामक दुर्ग में हुआ था। शिवनेर नामक दुर्ग में हुआ था, दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एवं माता जीजाबाई थी। नेक्स्ट, शिवाजी के दो गुरु थे। नंबर एक, समर्थ गुरु रामदास। देखिएगा, ये शिवाजी के आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरु थे। ये शिवाजी के आध्यात्मिक
एवं धार्मिक गुरु थे। नंबर दो, दादा कोंडदेव ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने शिवाजी को राजनीति, प्रशासन अस्त्र शस्त्र परिचालन की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट, शिवाजी ने 1644 में सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक दुर्ग पर, इनवाइट कमांडर लाइन में रखेंगे छात्रगण, तोरण नामक दुर्ग पर कब्जा कर लिया। तोरण नामक दुर्ग पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट, 1656 में शिवाजी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को शिवाजी के दमन हेतु 1659 में भेजा था, परंतु शिवाजी ने बगनखा रूपी दास्ताने बगनखा रूपी दास्ताने दास्ताने से अफजल खां की हत्या कर दी। नेक्स्ट, शिवाजी ने सूरत नामक बंदरगाह नगर को दो बार 1664 एवं 1670 में लूटा था। नेक्स्ट, शिवाजी की बहुत ही शक्ति को देखते हुए औरंगजेब ने 1663 में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण भारत का सूबेदार बनाकर शिवाजी के
शिवाजी के दमन हेतु भेजा था, शिवाजी के दमन हेतु भेजा था, हेतु भेजा था। नेक्स्ट, शिवाजी ने अपनी सेना के साथ 12 का रूप धारण कर शाइस्ता खां की मुगल सेना पर के शिविर पर शाइस्ता खां के मुगल सेना के शिविर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया जिसके कारण शाइस्ता खां भागने पर मजबूर हुआ और शिवाजी ने भागते भागते उसकी उंगलियां काट दी। कंप्लीट छतगन, वेरी गुड। नेक्स्ट, तीर का निशान। मुगलों की पराजय से आक्रोशित होकर औरंगजेब ने 1665 में महाराजा जयसिंह को शिवाजी के दमन के लिए भेजा था। नेक्स्ट, आमेर के राजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच 22 जून 1665 को एक प्रसिद्ध संधि हुई जिसे इतिहास में पुरंदर की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है छतगन, पुरंदर की संधि कहा जाता है। नेक्स्ट, इस संधि की मुख्य बातें निम्न थी। नंबर एक, शिवाजी ने मुगलों के जीते हुए 23 किले वापस कर दिए। नंबर दो, शिवाजी ने दक्षिण भारत में मुगलों को सैन्य सहायता देने का वचन दिया। नंबर तीन, शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब से मिलने आगरा
दरबार में उपस्थित होने के लिए सहमत हो गए, नेक्स्ट, शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा दरबार में उपस्थित हुए। जहां औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी, तथा पहाड़ी चूहा कहकर संबोधित किया, नेक्स्ट, आगरा के मुगल दरबार में औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को अपमानित किया, जिसके कारण शिवाजी आक्रोशित हो गए और इसका फायदा उठाकर औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी को मुगल कैद में आगरा के जयपुर भवन में नजरबंद कर दिया, नेक्स्ट, 1666 में शिवाजी एवं संभाजी फलों एवं मिठाइयों की टोकरी के माध्यम से से मुगल कैद से भाग निकले नेक्स्ट, शिवाजी का राज्याभिषेक ১৬৭৪ में रायगढ़ में काशी के प्रसिद्ध विद्वान, काशी बनारस को भी कहा जाता है वाराणसी, काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया शिवाजी ने राजाभिषेक के पश्चात निम्न उपाधि धारण की थी। नंबर एक, छत्रपति। नंबर दो, गौ रक्षा प्रतिपालक।
नंबर तीन, हैंडो धर्मोद्धारक, हैंडो धर्मोद्धारक, राइट कमांड लाइन में रखेंगे छतगन, हैंडो धर्मोद्धारक। नेक्स्ट, 1680 में कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, शिवाजी ने गुरिल्ला या छापेमार युद्ध प्रणाली को मलिक अंबर से ग्रहण किया था, जिसके तहत शत्रु पर अचानक आक्रमण कर देना तथा उसे संभलने का मौका नहीं देना था, संभलने का मौका नहीं देना था। यह है छतगन शिवाजी का इंट्रोडक्शन। इनके प्रशासन के बारे में हम लोग आगे आएंगे, लेकिन पहले शिवाजी को आप समझ ले छतगन। क्या सवाल आएंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में और क्या जवाब देना है? पूछेगा मराठा साम्राज्य निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में कहां तक विस्तृत था? नंबर एक महाराष्ट्र, नंबर दो कर्नाटका, नंबर तीन केरल, नंबर चार ए एवं बी दोनों। तो छतगन महाराष्ट्र और कर्नाटक तक मराठा साम्राज्य विस्तृत था। ध्यान रखिएगा केवल महाराष्ट्र भी आपको नहीं लगाना है, कर्नाटका के क्षेत्र में भी मराठा साम्राज्य विस्तृत था, इसे ध्यान रखना है, है ना छतगन, गौर कीजिएगा। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा छतगन, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी भोसले। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। छतगन शिवाजी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव यदि पड़ा है तो उनके माता के दिए हुए संस्कारों का पड़ा है छात्रगण, ध्यान रखिएगा। उनकी माता ने उन्हें वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाई, अर्जुन कृष्ण कर्ण एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं को, ऐतिहासिक योद्धाओं की कथाएं सुनाती थी, और यही कारण था कि शिवाजी का व्यक्तित्व भी उन्हीं वीर योद्धाओं की भांति उभर कर सामने आता है छात्रगण, ध्यान दीजिएगा। छात्रगण शिवाजी के व्यक्तित्व में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है उनकी माता जीजाबाई का। इस चीज को आप नीचे नोट में लिख लीजिए, एनओटी नीचे लिखेगा, याद नहीं रहती है ये सब बातें, इसलिए नोट में लिखें। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का पड़ा है, छतगन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है, और पैनी निगाहें इसको होनी चाहिए। एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा। छतगन शिवाजी के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव यदि पड़ रहा है तो उनकी माता जीजाबाई का पड़ रहा है। छतगन शिवाजी
कि पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई, गुरु भी दो दो थे छतगन। महान व्यक्तियों की हर चीजें महान होती हैं, अद्वितीय होती हैं। शिवाजी के दो गुरु थे, एक थे राजनीतिक गुरु जिन्होंने शिवाजी को प्रशासन चलाना, प्रशासनिक अनुभव, अस्त्र शस्त्र का परिचालन है ना के बारे में बतलाया था, ये थे दादाजी कोंडदेव। दादा कोंडदेव नाम था इनका, ध्यान रखिएगा, शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। और दूसरे समत गुरु रामदास, जिनका नाम अपने भक्ति आंदोलन में सुन रखा है, जिन्होंने दासबोध की रचना की थी, समत गुरु रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। कौन सी पुस्तक लिखी थी छात्रगण उन्होंने? दासबोध। पूछता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समत गुरु रामदास ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? दासबोध की। ये कहां के थे? महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, धार्मिक गुरु थे, जिन्होंने शिवाजी को अध्यात्म और धर्म की शिक्षा दी थी, वेदों पुराणों उपनिषदों की शिक्षा दी थी। छतगन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखेंगे छतगन। छतगन शिवाजी की पहली विजय 1644 में तोरण नामक दुर्ग हुआ पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी और यह दुर्ग बीजापुर के क्षेत्र में था, है ना छतगन याद रखिएगा। पूछेगा शिवाजी का पहला विजय कौन सा था? तोरण। कब? 1644 में था। यह किस क्षेत्र में आता था? बीजापुर में। छतगन शिवाजी ने इस प्रकार से लगातार आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया, कई दुर्गों और किलों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। छतगन इनकी बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए बीजापुर के शासक ने अपने सेनापति वीर योद्धा अफजल खां को शिवाजी के दमन के लिए 1659 में भेजा। छतगन अफजल खां की पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त थी, उसका हाइट होगा मुझे लगता है 7-8 फीट का और वजन होगा 250 kg से ऊपर, यह जबरदस्त पर्सनालिटी। छतगन अफजल खां ने शिवाजी को मारने का प्लान बहुत जबरदस्त बनवाया। इसने शिवाजी को मिलने के बहाने, गला मिलने के बहाने इन्हें दबा करके मारने की प्लानिंग की भी थी, लेकिन अफसोस यह प्लानिंग जो है वह शिवाजी को पता चल गई। छतगन शिवाजी मिलने गए अफजल खां से, लेकिन कहानी उलट दी गई। जैसे ही गला मिलने के लिए अफजल खां शिवाजी के सामने आया, शिवाजी ने गला मिला, लेकिन वो हाथों में बाघ के नाखून रूपी दस्ताने पहने हुए थे जो कि छुपे हुए थे उनके पॉकेट में, पता नहीं चल रहा था। उसी बाघ नखे रूपी दस्ताने से उन्होंने अफजल खां पर अचानक आक्रमण कर दिया, जिससे वह विचलित होकर गिर गया। शिवाजी ने उसके छाती में पैरों तले लौंते हुए उसके छाती और पेट को छतगन बगनखे से चीर दिया और अफजल खां की हत्या कर दी। पूछेगा बगनखा रूपी दास्ताने से शिवाजी ने किसकी हत्या की थी? अफजल खां की। कब? 1659 में किया था छतगन, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त रूप से शिवाजी ने अपनी वीरता और अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था छतगन, इस घटनाक्रम में गौर करेंगे। छतगन जब अफजल खां की हत्या कर दी गई तो यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। दिल्ली में बैठे हुए मुगल सम्राट औरंगजेब तक भी यह खबर पहुंची कि दक्षिण भारत में एक व्यक्ति, मराठा व्यक्तित्व, लगातार कब्जा कर रहा है मुगलों के किले पर। छतगन इस बात से औरंगजेब घबरा गया और औरंगजेब ने अपने मामा साइस्ता खां को दक्षिण भारत का सूबेदार, दक्कन भारत का सूबेदार वायसराय बनाकर शिवाजी के दमन के लिए एक विशाल मुगल सेना दे करके उन्हें भेजा। छतगन 1663 में पूना में शिवाजी और साइस्ता खां, जो कि औरंगजेब के मामा और दक्कन भारत के सूबेदार थे, वायसराय थे, उनकी सेना के बीच में जो है युद्ध नहीं हुआ, कूटनीतिक विजय शिवाजी की रही। छतगन शिवाजी ने क्या किया? छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति किसे कहा जाता है? शत्रु को संभले बिना अचानक आक्रमण कर दो, क्योंकि यदि शत्रु संभल गया तो वह आप पर आक्रमण कर देगा। इसलिए शत्रु को संभलने का मौका मत दो। छतगन शिवाजी ने भी संभलने का मौका नहीं दिया और मध्य रात्रि में जब मुगल शिविर में मुगल सेना सो रही थी, तब अपने सैनिकों के साथ बाराती का रूप धारण कर अचानक
मुगल शिविर पर आक्रमण कर दिया। इस अचानक आक्रमण से घबरा करके मुगल सेना तितर बितर हो गई, भागने पर विवश हो गई। अफजल खां की हत्या के बाद शिवाजी का वीरता का यह एक और पराक्रम देखने को मिलता है, जब उन्होंने शाइस्ता खां को पराजित किया। शाइस्ता खां भी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। भागते भागते भी शिवाजी ने तलवार की ढाल से उसकी उंगलियों को काट दिया और वह जो घोड़े पर सवार हुआ वो दिल्ली जाकर के रुका। कह रहे बाप कौन है दक्षिण भारत में जी, जो रात को भी मध्य रात्रि में सोने नहीं देता है, अचानक आक्रमण कर देता है बाराती का रूप धारण करके। औरंगजेब को जाकर उसने बयान किया। छतगन बहुत ही हास्यास्पद ये घटना है, जब शिवाजी ने बाराती का रूप धारण करके शाइस्ता खां को पराजित किया था औरंगजेब के मामा को। छतगन इस बात से औरंगजेब और भी आक्रोशित हुआ और अब उसने डिसीजन लिया कि लोहा लोहे को काटता है छतगन। और इस बार उसने शिवाजी के दमन के लिए राजपूत योद्धा आमेर के राजा जयसिंह को एक विशाल मुगल सेना के साथ दक्षिण भारत भेजा। छतगन पुरंदर नामक स्थान में, पुरंदर के दुर्ग में शिवाजी अपनी सेना के साथ मौजूद थे। क्या किया छतगन, गौर कीजिएगा, आमेर के राजा जयसिंह ने, इसने पुरंदर के दुर्ग को चारों ओर से एक विशाल सेना के साथ घेर लिया। छतगन शिवाजी जानते थे कि उनकी सेना छोटी थी, चारों ओर से घिर जाने के कारण शिवाजी मजबूत थे और उन्होंने इसी मजबूरी बस पुरंदर की संधि की थी 22 जून 1665 को। पूछेगा पुरंदर की संधि कब हुई थी, 22 जून 1665 को, किसके किसके बीच हुई थी, राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी, है ना, कहां पर हुई थी, पुरंदर के किले में हुई थी। पुरंदर की संधि की मुख्य बातें क्या थी छतगन, व्हाट वाज द मेन फीचर्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। छतगन इस संधि के तहत मुगलों के जीते हुए 23 किले शिवाजी ने वापस कर दिए, 23 फोर्स जो है उन्होंने वापस कर दिए, 23 दुर्ग वापस कर दिए। दक्षिण भारत में मुगलों को सहायता का वचन दिया और स्वयं तथा अपने पुत्र संभाजी के साथ मुगल कैद में, यानी मुगल दरबार में सॉरी, उपस्थित होने की स्वीकृति प्रदान की। छतगन 1666 में मुगल दरबार में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा में औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हुए। औरंगजेब ने इन्हें महाराजा की उपाधि दी। पूछेगा शिवाजी को राजा या महाराजा की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा था, औरंगजेब ने कहा था, ध्यान रखिएगा। छतगन औरंगजेब ने एक सुनियोजित साजिश के तहत एक कूटनीति का परिचय देते हुए जानबूझकर के आगरा के मुगल दरबार में शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को अपमानित किया, जिससे शिवाजी आक्रोशित हो गए और इसी आक्रोश का फायदा उठा करके औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी को गिरफ्तार कर आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया। आगरा के जयपुर भवन में छतगन, जयपुर में नहीं, आगरा के जयपुर भवन में, जयपुर तो राजस्थान में है, अजमेर में, लेकिन आगरा उत्तर प्रदेश में है, आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया। ध्यान रखेंगे छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन पुरंदर की संधि की शर्तों को याद रखिएगा, औरंगजेब के दरबार में पहुंचना शिवाजी का, औरंगजेब द्वारा राजा की उपाधि पहाड़ी चूहा की उपाधि देना, ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे। छतगन शिवाजी बहुत ही चालाक थे और इन्होंने मात्र कुछ महीने बिताए होंगे औरंगजेब के कारावास में कि इन्होंने उपाय निकाल लिया। छतगन फलों और मिठाई की टोकरी के माध्यम से ये मुगल कैद से निकल भागने में सफल रहे, ध्यान रखेंगे। छतगन शिवाजी ने सूरत नामक बंदरगाह नगर को 2 बार भयंकर लूटा था, 1664 1670 में। पूछेगा शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था, 2 बार, कब कब, 1664 1670 में। छतगन 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ इनकी राजधानी रायगढ़ में। शिवाजी की राजधानी कहां थी, रायगढ़ महाराष्ट्र में थी, ध्यान रखिएगा छतगन, है ना। शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था काशी के प्रसिद्ध विद्वान, बनारस के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा, विश्वेश्वर गंगा भट्ट भी इनका नाम था छतगन, इनके द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया। छतगन राज्याभिषेक के पश्चात शिवाजी ने 3 उपाधियां धारण की, एक छत्रपति, दूसरा
गौ रक्षा प्रतिपालक है ना, गौ रक्षा ब्राह्मण रक्षा प्रतिपालक। और तीसरा हिंदो धर्मोद्धारक, हिंदुओं का उद्धार करने वाला, गौ की रक्षा करने वाला और छत्रपति, ये तीन उपाधि शिवाजी के द्वारा छतगन धारण की गई थी, जिसे आपको ध्यान रखना होगा। छतगन शिवाजी ने छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति मलिक अंबर नामक शासक से ग्रहण की थी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। शिवाजी इस पद्धति के प्रतिपादक नहीं थे छतगन, मलिक अंबर इसके प्रतिपादक थे, गुरिल्ला या छापामार युद्ध प्रणाली के प्रतिपादक थे मलिक अंबर, और शिवाजी ने मलिक अंबर से इस प्रणाली को ग्रहण किया था, गुरिल्ला या छापामार युद्ध प्रणाली को, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन 1680 में कर्नाटक अभियान के दौरान इस महान शासक की मृत्यु हो गई। छतगन शिवाजी अपने प्रशासनिक दक्षता के कारण भी जाने जाते हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना होगा। हेडिंग बनेगा शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी का प्रशासन लिखेगा। शिवाजी के दरबार में आठ मंत्रियों का एक समूह था जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता है। नेक्स्ट, अष्ट प्रधान में निम्न मंत्री शामिल थे, निम्न मंत्री शामिल थे। नंबर एक, पेशवा लिखे, इसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। यह सर्वोच्च मंत्री एवं अधिकारी था, यह सर्वोच्च मंत्री एवं अधिकारी था। नंबर दो, अमात्य या मजूमदार लिखे, यह वित्त मंत्री था। नेक्स्ट, सुमंत या दबीर यह विदेश मंत्री था। नेक्स्ट, चिटनीस या सुरनवीस लिखे, यह पत्राचार विभाग का सर्वोच्च मंत्री था। नेक्स्ट, वाकिया नविस यह गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी था, तथा आधुनिक गृह मंत्री के रूप में काम करता था। नेक्स्ट, पंडित राव लिखे,
ये धार्मिक विभाग एवं दान विभाग, धार्मिक विभाग एवं दान विभाग के मंत्री थे। नेक्स्ट, सर ए नौबत, सर ए नौबत यह सेनापति था, यह सेनापति था। नेक्स्ट, न्यायाधीश, ये न्याय विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी थे, नीचे लिखेगा नोट छतगन, नोट लिखेंगे। युद्ध के मैदान में पंडित राव एवं न्यायाधीश को छोड़कर अन्य सभी मंत्रियों को युद्ध में भाग लेना अनिवार्य था, हो गया कंप्लीट छतगन, वेरी गुड। क्या सवाल आएंगे छतगन, गौर कीजिएगा। अष्ट प्रधान कौन थे? शिवाजी के आठ मंत्रियों के समूह को अष्ट प्रधान कहा जाता है छतगन, ध्यान देंगे छतगन। शिवाजी ने अपने दरबार में आठ प्रमुख मंत्रियों को रखा था जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता है। आठों मंत्रियों के नाम और उनके कार्य दोनों आपको याद रखने होंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। पेशवा प्रधानमंत्री था जो कि मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च था, ध्यान रखेंगे छतगन। अमात्य वित्त मंत्री था, सुमंत विदेश मंत्री था, वाकिया नवीस गुप्तचर विभाग का मंत्री था, पंडित राव धार्मिक और दान विभाग के मंत्री थे, सरे नौबत सेनापति थे, सैन्य विभाग के मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, वाकिया नवीस गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, पंडित राव दान और धार्मिक विभाग के मंत्री थे, न्यायाधीश जो थे वो न्याय विभाग के मंत्री थे, चिटनीस या सुनवीस जिसे सचिव भी कहा जाता था ये पत्राचार विभाग के प्रमुख थे छतगन, आपको ध्यान में रखना होगा छतगन। शिवाजी के आठ मंत्रियों में से दो मंत्री को छोड़कर बाकी सारे मंत्रियों को युद्ध के मैदान में जाना अनिवार्य था छतगन। वो दो मंत्री कौन थे? पंडित राव धार्मिक कार्य करते थे और न्यायाधीश कलम के धनी थे, तो ये दोनों आखिर कैसे जा सकते थे युद्ध के मैदान में? तो इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी मंत्रियों को युद्ध के मैदान में जाना पड़ता था। यह क्वेश्चन भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में छतगन आ चुका है, पहली निगाह आपको रखनी होगी, ध्यान देना होगा। अब हेडिंग बनेगा छतगन, शिवाजी का सैन्य प्रशासन, देखिए शिवाजी किस सेना मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित थी। नंबर एक पागा सेना, लिखे, इसे स्थाई घुड़सवार सेना भी कहा जाता था, इन्हें घोड़े एवं अस्त्र शस्त्र सरकार की ओर से
ओर से प्रदान किए जाते थे। सरकार की ओर से प्रदान किए जाते थे जाते थे। नेक्स्ट नंबर दो, सिलहदार, यह अस्थाई घुड़सवार सेना थी। इसे घोड़े एवं अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था खुद करनी पड़ती थी, खुद करनी पड़ती थी। नेक्स्ट, शिवाजी की नौसेना का मुख्यालय महाराष्ट्र के कोलाबा में स्थित था छत्रगण क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। शिवाजी की नौसेना का मुख्यालय कहां था? महाराष्ट्र के कोलाबा में स्थित था। शिवाजी के सैन्य प्रशासन के तहत दो प्रकार की सेनाएं काफी महत्वपूर्ण थी छत्रगण। एक पागा, यह स्थाई घुड़सवार सेना थी। इन्हें परमानेंट रूप से नियुक्त किया जाता था। इन्हें घोड़े एवं अस्त्र शस्त्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाते थे। और दूसरी थी छत्रगण सिलहदार, यह अस्थाई थी, यह परमानेंट नहीं थी। इन्हें घोड़े और अस्त्र खुद लेके आने पड़ते थे। सरकार जब चाहे इन्हें हटा सकती थी, इसलिए यह अस्थाई घुड़सवार सेना थी जिसे सिलहदार कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छत्रगण, पागा और सिलहदार दोनों को आपको याद रखना होगा। पूछेगा शिवाजी के सैन्य प्रशासन में स्थाई घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? पागा। पागा की क्या खासियत थी? इन्हें घोड़े अस्त्र शस्त्र सरकार द्वारा दिए जाते थे। सिलहदार की क्या खासियत थी? यह अस्थाई घुड़सवार सेना थी। इन्हें घोड़े और अस्त्र की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी। ध्यान रखेंगे छत्रगण, यह भी अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी अपने आप में प्रतियोगिता परीक्षाओं का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पैनी निगाहें आपको रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा छत्रगण। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, आपको याद रखना है, आपको मनन करना है और आपको एक एक चीजों को गौर करना है, एक एक चीजों को याद रखना है छत्रगण। शिवाजी के नौसेना का मुख्यालय महाराष्ट्र के कोलाबा नामक स्थान में है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है ना। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, यह मैं पहले ही लिखवा चुका हूं, जो कि मलिक अंबर की सैन्य व्यवस्था से प्रेरित थी, है ना। अब हेडिंग बनेगा शिवाजी का राजस्व प्रशासन, वित्त प्रशासन छात्रगण, राजस्व प्रशासन, लैंड रेवेन्यू, शिवाजी का राजस्व प्रशासन। लिखिए, शिवाजी के समय भू राजस्व की दर 1/3 या 33% थी। शिवाजी के समय भू राजस्व या लगान की दर 1/3 या 33% थी। नेक्स्ट, ठीक है सर। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर से प्रेरित थी। नेक्स्ट, शिवाजी ने रस्सी के स्थान पर भूमि मापन के लिए काठी एवं मानक छड़ी का उपयोग किया था नेक्स्ट, शिवाजी के कार्यकाल में
सरंजामी प्रथा प्रथा मराठा भू राजस्व से संबंधित थी। मराठा भू राजस्व से संबंधित थी। नेक्स्ट, शिवाजी दो प्रकार के कर वसूलते थे। नंबर एक चौथ, देखिए इसकी दर 1/4 थी। चौथ इसकी दर 1/4 थी। यह शत्रु राज्यों के जीते हुए क्षेत्र से शिवाजी द्वारा लिया जाता था। लिया जाता था। नेक्स्ट, नंबर दो, सरदेशमुखी सरदेश मुखी मुखी देखिए इसकी दर 1/10 थी। शिवाजी अपने पूर्वजों के नाम पर इस कर को वसूलते थे। नेक्स्ट, शिवाजी ने अन्नाजी दत्रो इमेट कमांड लाइन छात्रगण अन्नाजी दत्रो के माध्यम से मराठा साम्राज्य के भूमि सर्वेक्षण का कार्य करवाया था। यह छतगण, हाँ एक लाइन और लिख लेंगे छतगण, शिवाजी ने किसानों से प्रत्यक्ष तौर पर लगान वसूला था तथा जमींदारी या जागीरदारी प्रणाली का विरोध करते हुए वे रैयतवादी प्रणाली को अपनाया था। छतगण क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, पैन निगाहें आपकी होनी चाहिए। छतगण, शिवाजी के समय भू राजस्व की दर लगान की दर कितनी थी? 1/3 थी। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था, कर व्यवस्था किससे प्रेरित थी? मलिक अंबर से प्रेरित थी। जैसे मलिक अंबर से प्रेरित होकर के उन्होंने छापामार
या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, उसी प्रकार मलिक अंबर से प्रेरित होकर के इन्होंने कर व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था को भी लागू किया था। छतगण बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य के भूमि का सर्वेक्षण का कार्य किससे करवाया था? अन्नाजी दत्रो से करवाया था। इसे भी छतगण आपको ध्यान रखना है, अन्नाजी दत्रो को भी आपको याद रखना है, भूमि सर्वेक्षण का कार्य इन्हीं से करवाया था। गौर कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगण शिवाजी मुख्य रूप से दो प्रकार के कर वसूलते थे छतगण। एक था चौथ, नाम में यहां छिपा हुआ है, चौथ यानी एक बटा चार होता है छतगण, चौथा ही हिस्सा। सद्देशमुखी, यहां भी छतगण ध्यान रखिएगा, दस याद रखिएगा, एक बीच में ही शब्द है, एक बटा दस। सद्देशमुखी, सद्देशमुखी को सद्देशमुखी बोलिए, है ना, ताकि दस से आपको ये याद रहे किसकी दर कितनी थी, एक बटा दस। चौथ क्या था छतगण? छतगण शत्रु सेना के क्षेत्र को जो शिवाजी जीत लेते थे, वहां पर फिर से आक्रमण नहीं करने के बदले में उस क्षेत्र की जनता से उनकी कुल आय का एक बटा चार हिस्सा लगान के रूप में वसूलते थे छतगण। इसे ही चौथ कहा जाता था। पूछेगा, शिवाजी अपनी शत्रु सेना से कुल वसूले गए लगान का एक बटा चार हिस्सा वसूलते थे, इसे क्या कहा जाता था? चौथ कहा जाता था छतगण, है ना। दूसरा था सद्देशमुखी, दस वर्ड को याद रखेगा, एक बटा दस इसकी दर थी। पूछेगा सद्देशमुखी की दर क्या थी? एक बटा दस। चौथ की दर क्या थी? एक बटा चार। छतगण सद्देशमुखी क्या था? शिवाजी अपने पूर्वजों के नाम पर अपने राज्य की जनता से कर वसूलते थे, जिसे सद्देशमुखी कहा जाता था। इसकी दर थी एक बटा दस, कुल आय का एक बटा दस, यानी सौ रुपए आप कमा रहे हो तो दस रुपया देना होगा। चौथ में सौ रुपया कमा रहे हो तो पच्चीस रुपया देना होगा, एक चौथाई। चौथ की दर थी एक चौथाई, 25%, और सद्देशमुखी की दर थी एक बटा दस। ध्यान रखेंगे छतगण, दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगण शिवाजी ने राजस्व प्रशासन के तहत, सैन्य प्रशासन के तहत जो है अनेक सुधारात्मक कार्य किए थे, जिसे आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जमींदारी प्रणाली का विरोध किया, जागीरदारी प्रणाली का विरोध किया, और रैयतवादी प्रणाली अर्थात कृषकों से सीधे तौर पर छतगण लगान वसूलने की प्रणाली को रैयतवादी कहा जाता है, इन्होंने अपनाया था। पूछेगा, शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया था? नंबर एक जमींदारी प्रणाली, नंबर दो जागीरदारी प्रणाली, नंबर तीन रैयतवादी प्रणाली, नंबर चार इनमें से कोई नहीं, रैयतवादी प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। ये कृषकों से सीधे लगान वसूलने के हिमायती थे, जिसे आपको छतगण ध्यान में रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो छतगण शिवाजी का सैन्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन, चौथ, सद्देशमुखी, पागा, सिलहदार, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, अन्नाजी दत्रो, इसलिए छतगण, मलिक अंबर, सभी चीजों को आपको याद रखना होगा। छतगण आज कक्षाओं को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, अगली कक्षाओं में हम लोग छतगण जानेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में, कि शिवाजी के कौन कौन से उत्तराधिकारी हुए थे, इसके बारे में हम लोग पूरे विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।